हम इस वाले से खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजिन भी, कैसी हैं आप? काफी देर से बात चक्कर लगाया। वालेकुम सलाम। हाँ जरा मसरूफ थी। और ये तुम्हारी सास और हिना कहाँ हैं? आप वो लोग तो शीजा के घर गए हुए। खैरियत, कैसे आना हुआ? क्या ये है बिलाल की पहली बीवी? हाँ हाँ यही है बिलाल की पहली बीवी। आप तो कह रही थी कि इसकी कोई औलाद नहीं है और औलाद की ही वजह से बिलाल दूसरी शादी करना चाहता है, तो फिर ये बच्चा किसका है? दूसरी शादी? हाँ हाँ बिलाल दूसरी शादी करना चाहता है ना। हाजन भी तो हमें यही कहकर लाई है और ये भी कहा है कि इनकी पहली बीवी को कोई एतराज नहीं। अरे बेटा इनको गलत फहमी हुई है, तुम अपनी सास को बता देना, हम फिर आ जाएंगे। अच्छा चलो जल्दी आओ, चलो चलो निकलो। देखो हाजन भी, इंसान अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेता है, अब इस बुढ़ापे में तुम लोगों के घर बर्बाद करोगी? जरा तो होश के नाखून लो। देखो आलिया बेगम, मैंने बिटिया को उसी वक्त बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो औरत खुद मायरा से कह रही थी कि मैं बिलाल के रिश्ते के लिए आई हूँ, तो तुम क्यों अपनी आकबत खराब कर रही हो गलत बयानी करके? वो ना रिश्ते के लिए तो आई जरूर थी, लेकिन हीरा के लिए। अच्छा, बैठे बिठाए तुमने एक नई कहानी गढ़ ली। देखो मायरा ने मुझे जैसे ही बताया, मैं हवा के घोड़े पर सवार होकर यहाँ पहुंची हूँ। अरे तो तुम्हारा अपना घर है, आज से थोड़ी करवा रही हूँ तुम्हारे खानदान के रिश्ते। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कि जाके हाजन भी से पूछूं तो सही कि रिश्ते कराते कराते घर बर्बाद करने क्यों शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात का यकीन तो करो। हाजन भी बस करो, बहुत हो गया, झूठ बोलना बंद करो, हद होती है हर बात की। लो मेरी टांगे तो कब्र में है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? हाजन भी मेरी एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, हमारी रिश्तेदारी तो है नहीं लेकिन मोहल्लेदारी तो है ना। अगर कोई ऐसी वैसी बात निकली तो मैं बता रही हूँ तुमको, मायरा के वालिद किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे बैठो तो सही आलिया। ऐसा भी क्या गुस्सा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। रहने दो, वो चाय तुम जमीना को पिलाना, जिसकी बातों में आके तुम मोहल्लेदारी का लिहाज भी भूल गई। मरवा दिया जरमीना बेगम तुमने तो। ओ मायरा बेटा मेरी जान, क्यों रो रो के अपनी जान हलकान किए जा रही हो, बस करो। अम्मी मेरा बना बनाया घर उजड़ रहा है और आप कह रही हैं मैं रो भी ना। उस हाजन भी की ऐसी खरी खरी सुना के आई हूँ ना, मैं सारी जिंदगी याद करेगी। उनके असूर है, असल फसाद की जड़ तो ही ना आप है। फिक्र ना करो बेटा, आज तुम्हारे अबू इस आपा के भी सारे ढीले पेच कस के जाएंगे। एक बात तो मुझे समझ नहीं आती, आखिर ये लोग बिलाल की उसी शादी के पीछे क्यों पड़ गए? ये सारा कुछ हिना का किया धरा है बेटा, वो अपने मियाँ की दूसरी शादी का बदला तुमसे ले लिया और कुछ नहीं बस। तो मैंने करवाई थी क्या उनकी दूसरी शादी? अरे नहीं बेटा, मुझे तो लगता है कि वो ज़हनी मरीज़ा हो गई है, ऐसे लोग बस वही कुछ करते हैं जो उनके दिल में आ जाता है, किसी के नहीं सुनते। बस अम्मी आप अब्बू से कहें कि पप्पू से साफ साफ दो टोक बात करें, उससे अब और बर्दाश्त नहीं होता। हाँ ना बेटा, तुम्हारे अब्बू बैठे हैं ना लाउंज में सख्त गुस्से में, वो आज इस आपा का स्यापा खत्म करके ही जाएंगे। मुझे ये बता, तुझे इतने बड़े बड़े बोल बोलने की आखिर जरूरत क्या थी वहां पर? अम्मी मुझे क्या पता था, अब तो पता चल गया ना तुझे है? और शक्लें देखी थी शीजा के सास ससुर की, जब जुड़वा बेटियों का पता चला था कैसे मुंह बन गए थे उनके। शुक्र करें कि औलाद हुई है, शुक्र करें। अपने बिलाल और मायरा को देखें, कैसे औलाद के लिए तरस रहे हैं। और बेटियां किसी से कम होती हैं क्या? अच्छा तो वहाँ पर बेटे का पहाड़ा बनने की क्या जरूरत थी तुझे? तो क्या गलत कहा मैंने भाई, हमारे खानदान में हमेशा पहली औलाद बेटा ही होती है। अच्छा तो फिर तो बिलाल को तुझसे पहले आना चाहिए था। मुझसे पहले आता तो कौन सा तीर मार लेना था इसने, जो अब नहीं मारा। आप अब हर बात में मुझे क्यों बीच में ले आती हैं? मैंने क्या कहा है आपको? हाँ मुझे कुछ कहकर तो देखो ना, यही सड़क पर तबीयत दुरुस्त करूंगी। अब जाओ जाकर टैक्सी देखो या वो भी मैं जाऊँ। अरे बिलाल छोड़ना तू इसे, इसकी तो आदत है, जा तू टैक्सी देख।
इसकी जुबान के आगे ना तेरी खंदक आई हुई है और कुछ भी नहीं है। आनी, आपने हिना आपा की शक्ल देखी थी, कैसे 12 बजे थे उनके चेहरे पर, कितना इतराती फिरती थी ना, कि हमारे यहाँ तो पहली औलाद हमेशा बेटा ही होती है। यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक नहीं दो दो बेटियां हो गई हैं हारिस और शिजा के यहाँ। ये ले चाय ले आ। थैंक यू। और हारिस, हारिस तो एक लम्हे के लिए चुप ही हो गया था। मुझे तो रंधावा जी की शक्ल देकर हंसी आ रही थी, पता है उन्होंने चुपके से डिफेंस में प्लॉट भी ले लिया था और मुझे कानो कान खबर तक नहीं होने दी। उनसे कहें अब दो प्लॉट और ले लें अपनी पोतियों के लिए। सच पूछो तो मुझे बहुत सुकून मिला है ये खबर सुन के। आनी, मैं खुद अपने आधे गम भूल चुकी हूँ। मालूम है, जब से खबर मिली है रंधावा जी ने अपने आप को अपने कमरे में बंद किया हुआ और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। जाहिर बात है उनके सारे प्लान अधूरे जो रह गए। बड़ा कहते थे पूरा घर रिफर्निश करूंगा, शहर भर को दावत पे बुलाऊंगा। अब बुलाए ना सबको, बताए ना दुनिया भर को कि उनके यहाँ दो दो रहमतें पैदा हुई हैं। कोई पागल ही होगा जो बेटियों के पैदा होने पर ये सब कुछ करेगा। आनी, फौजें पहुंच गई हैं मैदान में मजाक उड़ाने के लिए। कैसी फौजें? आलिया मोमानी और सईद मामू की बात करी, फटीचर मोटर बाइक नहीं देख रही है, साखों पर नमक छिड़कने के लिए आगे और दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। अरे हिना, तेरी तो हर बात ही निराली है, वो मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। बेटियों की मुबारकबाद कौन देता है? तुम मत लेना, मेरी नवासी है ना, मैं वसूल कर लूंगी। हम ये बंदर भी चल पड़े, यहीं खड़े रहेंगे। सास ससुर से मिलने के लिए बेचैनी हो रही है ना तुम्हें? आप भी ना। लो, हम मेंढकी को भी जुकाम होने लगा। सुनो, अपने मामू के सामने ना अपनी जबान कंट्रोल में रखना। अगर फजूल बात की ना तो लिहाज नहीं करूंगी, ये मैं पहले बता रही हूँ आपको। लगता है पोतियों की आमद ने चुप लगा दिए होठों पर। एक बात तो तय है सरबत, कि तुम जब भी बोलोगी कफन फाड़ के बोलोगी। अरे आप खुद ही बताएं, जब से हॉस्पिटल से आए मुंह बनाकर बैठे हैं, तो इसका क्या मतलब है? जरूरी नहीं कि इस बात के पीछे यही जाहिलाना सोच। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है जो इतने सोगवार नजर आ रहे हैं? शिजा की वालदा को तुमने कहा था कि मुझे हारिस का बेटा पसंद? आपसे किसने कहा? तुम्हारे फरिश्तों ने, जाहिर है उसकी वालदा ने कहा होगा। क्या सोचते होंगे हमारे बारे में कि हम कितने जाहिल लोग हैं? इसमें जहालत की कौन सी बात है? क्या आपको चाहत नहीं थी? किसको नहीं होती चाहत बेटे की, और अगर बेटे की जगह बेटियां आ जाएं तो हम नाशुक्री करें? एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती है। मगर मुझे तुम्हारी समझ आ गई है, और प्लीज मेरे जज्बात की तर्जुमानी अपने लफ्जों में मत किया करें। बहुत शुक्रिया। भाई आप मेरी बात तो सुने। आपकी बात में हाक सुनूं? आप अपनी सगी भतीजी पर सौतन लाना चाहती हैं? मुझे आपसे कतई ये उम्मीद नहीं थी। मामू, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चुप करो। भाई हम झूठ क्यों बोलें? अब जो सच है वो तो है ना। इसका मतलब है मायरा ने जो कुछ सुना वो सच था? देखिए मोमानी, 2 साल हो गए इसकी शादी को, अब कितना इंतजार करें हम? शर्म करो हिना, कुछ तो शर्म करो, अपना वक्त भूल गई क्या? अब जरूरी तो नहीं है ना मोमानी जी कि जो मेरे साथ हुआ वो सबके साथ हो। और आप दोनों खुद सोचे, इकलौता भाई है हमारा, भाई हम क्या करें? पापा मेरी बात तो सुने। मैंने कहा ना तुम चुप करो, तुम्हारे बड़े अभी मौजूद हैं बात करने के लिए। तुम जाओ कमरे में, जाओ जाओ। आप हिना को समझाती क्यों नहीं है? आपको तो अच्छी तरह से मालूम है ना कि मायरा में कोई खराबी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है ना। तो मोमानी जी आप क्या कहना चाहती हैं? खराबी हमारे भाई में, हद होती है इंतजार की। और ये कोई अनोखा काम तो नहीं करने जा रहे भी, औलाद के लिए हर कोई दूसरी शादी करता है। ठीक है ठीक है, फिर मायरा इस घर में मजीद नहीं रहेगी।
आपकी मर्जी। आलिया बेगम, आप जाकर मायरा से कहिए कि अपना सामान पैक करे। जी। अरे भाई, मेरी बात तो सुने ना आप लोग, इस मसले का हल बैठ के भी तो निकाला जा सकता है। आपकी बेटी ने कुछ कहने सुनने के लिए छोड़ा है क्या? देखिए मामू जी, ये आप सारा इल्जाम मुझ पर डालकर मत जाइएगा। जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इल्जाम तो उसी पर लगेगा ना। हिना, तुम चुप करो, मुझे बात करने दो ना। आलिया बेगम, आप जाइए, मायरा को तैयार कीजिए, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। जी। मुमानी, मेरी बात सुने। देख रही है, जुनू का गुलाम। चुप कर तुम। मेरी बात समझने की कोशिश करो मायरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी नाक के नीचे आपके घर वाले आपके लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हद होती है बिलाल, हद होती है। मैं बात करूंगा आपा से, मैं समझाऊंगा उन्हें, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप और आपा को समझाएंगे? किसी गिनती में भी रखती है वो आपको? ये तुम्हारा मसला नहीं, ये मेरा मसला, साथ हूं तुम्हारे। मुझे आपकी किसी बात का कोई यकीन नहीं रहा। अगर आपके अंदर की जरूरत होती तो मुझे ये दिन ही ना देखना पड़ता। कि तुम क्या कह रही हो मायरा, तुम्हारे इस तरह चले जाने से बात और बढ़ जाएगी। बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है बेटा, वो भी तुम्हारी बहन हिना की बदतमीजियों की वजह से, समझे तुम? मुमाई जान प्लीज, आप तो समझने की कोशिश करें, आपा की बदतमीजी की माफी मैं आपसे मांगता हूं। अच्छा मियां, तुम रहने दो अपनी माफियां तलाफियां, माँ बहन के आगे तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। इसी तरह चुप चपाते तुम दूसरा ब्याह रचा लेते। ऐसा कैसे हो सकता है भला मुमानी जान? जाके अपनी बहन से पूछो ना, जिसने तुम्हारी दूसरी शादी की रट लगा रखी है, आखिर वो अपनी दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? ये आप क्या कह रही हैं मुमानी जान? बिल्कुल सही कह रही हूँ, तुम्हें और जमीना बेगम को उसका ब्याह रचाने के बारे में सोचना चाहिए, वरना उसी तरह से दूसरों के घर उजाड़ती रहेगी। मुमानी जान लेकिन 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 कुछ नहीं, जल्दी करो मायरा, तुम्हारे बाहर अब्बू गुस्से में बैठे हुए गली में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो वक्त जाया नहीं करो, उठाओ इसको। जी मम्मी। हट जा बिलाल, बहुत हो गया, मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। चलो बेटा, चलो चलो। आपने ये अच्छा नहीं किया। क्यों, क्या अच्छा नहीं किया मैंने? कौन सा तोप का गोला मारा है तुम्हारे ससुराल वालों को? आपको मामू मामानी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। डूब के मर जाओ तुम, तुम्हारी भांजियों की मुबारकबाद तक तो दी नहीं उन्होंने और तुम पर हमदर्दी का बुखार चढ़ रहा है। अरे तुझे किस मुंह से मुबारकबाद देते वो, क्या जरूरत थी फजूल बातें करने की? मेरी जबान ऐसे चल रही थी जैसे कैंची चल रही हो। भाई मैं क्या करती, कितना झूठ बोलती। वो आपकी बहू साहिबा ने बुला लिया अम्मा पापा को। तो मैंने कब कहा कि तूने चिट्ठी लिख के बुलवाया था? मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ, अब हम डंके की चोट पर करेंगे अपने बिलाल की शादी। बेहतर होगा ये ख्याल अपने ज़हन से निकाल दें। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मेरे बजाय अपने बारे में सोचें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखा किस लहजे में बात करके गया मुझसे। अरे तुझे भी तो हजार दफा समझाया, क्या वो बच्चा नहीं रहा, शादीशुदा मर्द है, तमीज से बात किया कर उसे, मगर तू तो सुनते ही नहीं। तो कौन सी लाठी मारी है मैंने उसे, उसी की भलाई की बात कर रही हूँ मैं। अरे कोई बात करने का तरीका होता है ना, तू तो जज्बाती होकर हर मामला खराब कर देती है। हाँ भाई ये सही है, सारे मिलकर मेरे ही कंधे पर रखकर बंदूकें भी चलाते हो, मुझे सूली पे भी चढ़ाते हो। अरे तो तुझे क्या जरूरत थी अपने मामू मामी के साथ इस अंदाज में बात करने की? तो मैंने क्या कह दिया भाई, वो आपकी बहू ने भड़काया हुआ था पहले ही, देखा नहीं था कैसे प्रेशर कुकर की तरह बैठे हुए थे, क्या जरा सी बात की फट पड़े। अच्छा खैर, अब तुझे ना बिलाल के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मुंह तोड़ दूंगी उसका, भूल गया क्या वो वक्त अब्बा की वफात के बाद जब इस टिड्डे का सारा खर्चा मैंने उठाया है, सिलाइयां कर करके अंधी हो गई मैं, लेकिन इसकी पढ़ाइयां जारी रखी मैंने, ये घर कैसे चला? अब्बा ये घर ही छोड़कर गए थे, याद है कुछ? मैं ही थी, अगर मैं ना होती तो क्या करता ये, और आज ही मुझे इस तरह बात करेगा? अरे तू नहीं सुधरेगी, तेरा पिटना खत्म नहीं होगा, नहीं सुधरेगी तू। मैं जरा हीरा को तो देखूं, ये मनुष्य मारी पता नहीं कहां घुसी बैठी है, ये नहीं जरा चाय पानी पूछ ले, काम से जी चुराती रहती है कमबख्त मारी। जैसे अपने लिए कर रही हूं मैं, मुझे कोई फायदा इससे? हद होती है।